आज से 3 दिन के गुजरात दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी आज सुबह गांधीनगर के महात्मा मंदिर जाएंगे। पीएम कई देशों के साथ द्विपक्षीय वार्ता। प्रधानमंत्री 5 वैश्विक कंपनियों के सीईओ से करेंगे मुलाकात। तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति से भी मिलेंगे पीएम। महात्मा मंदिर से अहमदाबाद एयरपोर्ट के लिए रवाना होंगे प्रधानमंत्री। यूएई की राष्ट्रपति के साथ करेंगे रोड शो। कल से वाइब्रेंट गुजरात समिट की शुरुआत। पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। वाइब्रेंट गुजरात समिट से पहले जगमगाया गांधीनगर। शहर में जगह जगह रंग बिरंगी लाइटों से सजावट। आज अयोध्या जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम की करेंगे समीक्षा। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अयोध्या सज धज कर तैयार। मंदिर ट्रस्ट ने जारी की राम मंदिर की भव्य और दिव्य तस्वीरें। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां जोरों पर। भक्तिमय हुआ माहौल। रामनगरी की दिख रही है अद्भुत छटा। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और मंदिर निर्माण समिति की अहम बैठक। ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्र ने बताया निर्माण स्थल पर भूतल का काम पूरा। राम मंदिर में लाइटिंग का काम पूरा। 12 जनवरी तक पूरा हो जाएगा काम। 12 जनवरी से 15 जनवरी तक होगा ट्रायल। अयोध्या को सोलर सिटी बनाने की कवायद। पार्कों में कई सोलर लाइटें लगाई गई। अयोध्या में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम। राम की पैड़ी पर नाव के जरिए निरीक्षण। प्राण प्रतिष्ठा के लिए पूरी भव्यता के साथ अयोध्या तैयार। दुनिया भर के लाखों राम भक्तों का होगा स्वागत। अयोध्या में हनुमानगढ़ी के लड्डू का हुआ जीआई रजिस्ट्रेशन। दुनिया भर में जाएगा हनुमानगढ़ी के लड्डू का प्रसाद। राम मंदिर की रात की तस्वीरें आई सामने। रामलला के मंदिर का दिखा भव्य स्वरूप। अहमदाबाद से 7 ध्वज स्तंभ पहुंचा अयोध्या। मंदिर के शिखर पर लगेगा यह ध्वज। प्राण प्रतिष्ठा में श्री कृष्ण की जन्मभूमि से भेजे जाएंगे लड्डू। प्राण प्रतिष्ठा समारोह का होगा सीधा प्रसारण। कैलिफोर्निया के भक्तों ने अयोध्या के लिए दान की एम्बुलेंस। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र के महासचिव चंपत राय ने हरी झंडी दिखाकर एम्बुलेंस रवाना किया। प्राण प्रतिष्ठा से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला प्राण प्रतिष्ठा समारोह से मुसलमानों के खिलाफ नफरत होगी कम। राम मंदिर पर आरजेडी विधायक अजय सिंह के बिगड़े बोल। कहा अयोध्या में ब्लास्ट करा सकती है बीजेपी। आरजेडी विधायक के बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। विरोधियों को पच नहीं राम मंदिर निर्माण। देश में अशांति पैदा करना चाहते गठबंधन के लोग। बिहार बीजेपी अध्यक्ष सम्राट चौधरी का आरजेडी पर हमला। कहा आरजेडी के लोग मानसिक रूप से गुलाम। तुष्टिकरण के लिए सनातन पर कर रहे हमला। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए अभिनेता रणदीप हुड्डा को मिला निमंत्रण। जल्द ही फिल्म स्वतंत्र वीर सावरकर में नजर आएंगे रणदीप। आज महाराष्ट्र में गठबंधन को लेकर अहम बैठक। शिवसेना यूबीटी और एनसीपी के नेता होंगे शामिल। 14 से 15 जनवरी को दिल्ली में होगी एमवीए की बैठक। सूत्रों के हवाले से खबर। सीट बंटवारे पर होगा अंतिम फैसला। जेडीयू एमएलए गोपाल मंडल का बड़ा बयान। कांग्रेस देश में बड़ी पार्टी लेकिन बिहार में नहीं। नीतीश कुमार को होना चाहिए अगला पीएम। फारूक अब्दुल्ला ने कहा INDIA गठबंधन पर नहीं पड़ेगा किसी चीज का असर। संविधान की रक्षा के लिए लड़ रहा गठबंधन। कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी बोले गठबंधन में सीटों के बंटवारे पर काम जारी। चुनाव नतीजों के बाद होगा पीएम पद के लिए फैसला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष के वाराणसी से चुनाव लड़ने के सवाल पर बोले प्रमोद तिवारी इस बारे में पार्टी करेगी फैसला। पीएम मोदी के खिलाफ उतारेंगे मजबूत प्रत्याशी। सीट बंटवारे पर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज का बयान। कहा इंडिया गठबंधन में जल्द सीटें होंगी फाइनल। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का राहुल गांधी पर तंज। अभी भी बच्चे की तरह है राहुल गांधी। मनोरंजन के लिए निकाल रहे यात्रा। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी बोले कृष्णा गोदावरी बेसिन में तेल मिला है। उसका पहला सैंपल मिला है। 26 में से 4 कुएं पहले से ही चालू है। आज राज्यसभा की विशेष अधिकार समिति की बैठक। 11 सांसदों के निलंबन पर बड़े फैसले के आसार। आज श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद से जुड़ी याचिका पर सुनवाई होगी। मस्जिद कमेटी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट करेगा सुनवाई। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर। राजौरी पुंछ में लश्कर और जैश के 2 आतंकी ग्रुप सक्रिय। खात्मे के लिए सुरक्षा बलों ने तैयार किया प्लान। यूपी एटीएस को मिली बड़ी कामयाबी। ISIS से जुड़े 2 इनामी गिरफ्तार। बड़ी वारदात को अंजाम देने की फिराक में थे आरोपी। मालदीव से तनातनी के बीच भारत को मिला इसराइल का साथ। लक्षद्वीप पे साथ काम करने को तैयार। भारत ने मालदीव के उच्चायुक्त को किया तलब। मालदीव से तनाव के बीच बोला चीन भारत के खिलाफ। मालदीव को कुछ नहीं कहा। भारत मालदीव के संबंधों का सम्मान।
भारत से विवाद के बीच चीन के दौरे पर मालदीव के राष्ट्रपति चीन को बताया महत्वपूर्ण सहयोगी। अमेरिका ने कहा चीन पाकिस्तान में धार्मिक स्वतंत्रता का बड़े पैमाने पर उल्लंघन, चिंता जताते हुए लिस्ट भी जारी की। ब्रिटेन पहुंचे रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, रक्षा सुरक्षा सहयोग पर करेंगे बातचीत। बांग्लादेश में शेख हसीना की बड़ी जीत, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बधाई दी, सफल चुनाव के लिए बांग्लादेश की जनता को भी सराहा। पाकिस्तान ने चुनाव से पहले नवाज शरीफ को सुप्रीम कोर्ट से राहत, चुनाव लड़ने पर लगा आजीवन प्रतिबंध हटा, चुनाव में हिस्सा लेने का रास्ता साफ। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद इमरान खान ने चीन से मांगी थी मदद, पूर्व राजनयिक की किताब में खुलासा, आधी रात को पीएम मोदी को किया था फोन। अमेरिका के व्हाइट हाउस की सुरक्षा में बड़ी चूक, व्हाइट हाउस के बाहरी गेट से टकराई कार, आरोपी ड्राइवर गिरफ्तार। दिल्ली में 26 जनवरी को लेकर तैयारियां हुई तेज, कर्तव्य पथ पर की गई परेड की रिहर्सल। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को लेकर सुनवाई आज, सुप्रीम कोर्ट में 7 जजों की पीठ करेगी सुनवाई। एमपी के शाजापुर में अक्षत यात्रा पर पथराव से भगदड़, पथराव में एक युवक घायल, मामले में 24 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज, पूरे इलाके में धारा 144 लागू। दिल्ली में ठंड से बड़ी ठिठुरन, न्यूनतम तापमान 5.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया, बारिश की चेतावनी जारी।